एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार अच्छी शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी नुमाइंदे सरकारी शिक्षा नीति में रोड़ा बनकर सामने आ रहे हैं। इसका ताज़ा मामला चंदेरी तहसील के अंतर्गत ग्राम सकवारा का है, जहां शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल की छत और दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, ऐसे में कोई भी घटना घटित हो सकती है। वहीं बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है। इस संबंध में स्कूल प्राचार्य ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यह कहकर टालमटोल कार्रवाई कर दी जाती है। हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए इसी विद्यालय को मतदान केंद्र बनाया गया है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत भी इस स्थिति को जस से तस बनी रहती है या फिर स्थिति में कोई सुधार होगा। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस हिसाब से बच्चे थोड़ी ना भेजूंगा स्कूल में। ऐसा इस कंडीशन रहेगा तो स्कूल में बच्चे थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। बरसात का मौसम आ रहा है, लग गया है, आगे चल के हो सकता है कोई भी क्या घटना घट जाए। क्या बोलते हैं क्या नहीं लिया उन्हें आवेदन? किसने लिया? मतलब दिया तो है, वो पावती नहीं दी। किस अधिकारी को दिया? जी लालाराम साहू को दिया। सब वो तो हर महीने आते हैं, देखते भी हैं, सब बातें नहीं दिया। अगर इसको लेकर कोई दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे, और को है जब हमें।